ओके चलो, तो ये सेकंड सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, दिस अल्काइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2 डैश, एनीवन? प्रोपीलीन, नहीं प्रोपाइल, प्रोपील, नहीं इट इज एलाइल ग्रुप. चलो सेकेंड का नाम बोलो. एलाइल एमाइन. हाँ, पीछे अगर एनएच टू रखो तो एलाइल अमाइन होगा, ओएच रखो तो एलाइल अल्कोहल होगा, सीएल लिखो तो एलाइल क्लोराइड होगा, बीआर लिखो एलाइल ब्रोमाइड, एनएच टू लिखते हैं तो फिर एलाइल अमाइन. सेकेंड का नाम पता है? एस्टाइल, सेकेंड का नाम है विनाइल ग्रुप. अगेन ओएच लिखते हैं तो विनाइल अल्कोहल, सीएल लिखते हैं तो विनाइल क्लोराइड, बीआर देन विनाइल ब्रोमाइड, आई देन विनाइल आयोडाइड, एनएच टू देन विनाइल अमाइन. तो यहां पे जो ग्रुप वर्ड लिखा है तो उसके जगह पे हम लिखेंगे अमाइन, दैट्स इट. एंड दीज आर कॉमन नेम्स. देन व्हाट अबाउट आईयूपीएसी नेम्स? CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2 डैश NH2 डबल बॉन्ड और NH2 में हाईएस्ट रिएक्टिव ग्रुप कौन सा होगा? तो याद करो COOH, SO3H, COOR, CN, CHO, CO, OH, NH2, then double bond C, and then triple bond C, and then पीछे हम as a substituent गिनेंगे NO2, X, OR and R. ओके, तो यहाँ पे कौन सा है? NH2 भी है और double bond है. So first priority will be given to, first priority हम किसे देंगे? तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे, देखो NH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड उसके बाद, तो NH2 कंटेनिंग कार्बन को देंगे. तो नाम होगा इसका प्रो 2E1NMI और 1MI. सिमिलरली इसका होगा इथ 2 कार्बन एटम्स, इथीनेमाइन, ओके, इथीनेमाइन होगा. अब बचा ये, तो ये है HMDA, हेक्सामिथिलीन. अब देखो, याद हो तो CH4 इज अ मिथेन, तो ये सबको पता ही है CH4 इज अ मिथेन. अब CH4 को अगर हम मिथेन बोले कि, तो अगर वन हाइड्रोजन एटम, अगर वन हाइड्रोजन एटम रिलीज हुआ तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल ग्रुप, और एक हाइड्रोजन एटम अगर रिलीज होगा तो इसको हम बोलेंगे मिथिलीन. तो ऐसे कितने मिथिलीन है? 6. सो इट इज नोन एज हेक्सामिथिलीन एंड डायमाइन. अगेन हेक्सा मिथिलीन डायमाइन, ओके, सो इट इज HMDA. तो सिंपल हमने प्राइमरी अमाइंस कंप्लीट किए यहां पे. स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट. डन सर। डन चलो सर। नेक्स्ट. अच्छा
इसके बाद आगे सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइन में जब भी आपको NH3 के मीन सेकेंडरी अमाइन मीन्स नाइट्रोजन हैज वन हाइड्रोजन एटम एंड टू अल्काइल, फिर तेरे याद हो तो N स्लैश और अराइल ग्रुप्स, ओके, या दोनों अल्काइल या दोनों अराइल या एक अल्काइल एंड वन अराइल। अगेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला IUPAC एंड देन कॉमन नेम, दिस वन इज द फर्स्ट, सेकेंड वन, थर्ड वन, ओके चल, और लास्ट वन तो IUPAC नेम बाद में, पहले हम कॉमन नेम ले लेते हैं। IUPAC नेम हम यहां पे लिख देंगे, ओके यहां पे तो जगह है, चलो कॉमन नेम। इट्स नोमेनक्लेचर इज लाइक इथर, सपोज यहां पे NH की जगह पे O है तो इसका नाम क्या था, ट्राई, इफ वी राइट CH3 OCH3 देन मिथॉक्सीमीथेन, डाइमिथाइल ईथर, कॉमन नेम है, इट्स अ डाइमिथाइल ईथर, और यहां पे NH है, सो वी विल से डाइमिथाइल अमाइन। इससे आपको दोनों नोमेनक्लेचर इजी हो गए और याद भी रहेंगे। अगर वो आता है CH3 OCH3 देन डाइमिथाइल ईथर, और यहां पे NH है सो डाइमिथाइल अमाइन। नेक्स्ट इज इथाइल मिथाइल एमाइन, नेक्स्ट इज डाइमिथाइल डाइइथाइल एमाइन, ओके दो इथाइल ग्रुप्स, यहां पे वन साइड मिथाइल और अनदर साइड नॉर्मल प्रोपाइल, तो नॉर्मल का एन नहीं देखते हैं हम, प्रोपाइल का पी देखेंगे, और मिथाइल तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन, अगर ओ होता तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल इथर होता। यहां पे ये है आइसोप्रोपाइल और ये है मिथाइल, सो नेम विल बी मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन। नेक्स्ट यहां पे मिथाइल और यहां पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल पहले ओके और लास्ट में एन मिथाइल एनिलीन, इसका नाम होगा एन मिथाइल एनिलीन। ओके नाउ वी आर टेकिंग IUPAC नेम। IUPAC नेम में दिस वन इज मिथेन एमाइन, ओके, और ये नाइट्रोजन के साथ क्या आता है, इससे मिथाइल, सो इट्स नेम विल बी एन मिथाइल मिथेन एमाइन। दूसरे का नाम क्या होगा,
जिस साइड ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उसको हम बोलेंगे NMR. अगेन जिस साइड ज्यादा कार्बन एटम होंगे उसको हम बोलेंगे NMR. अब दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूएंट मतलब आई. तो नाम होगा इसका N मिथाइल इथेनेमाइन. नेक्स्ट वन ये होगा N इथाइल इथेनेमाइन. सेम कार्बन एटम तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं. किसी एक को आई बोल दो और दूसरे वाले को एनेमाइन बोल दो ऊपर. चलो अब बोलो इसका नाम क्या होगा. ट्राई N प्रोपाइल सॉरी N मिथाइल प्रोपेनेमाइन. प्रोपेन वन एमाइन. क्योंकि अगर थ्री कार्बन एटम्स थ्री और मोर कार्बन एटम्स होते हैं तो हमें नंबर बोलना पड़ता है. प्रोपेन वन एमाइन. क्योंकि नेक्स्ट वन हाईएस्ट लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थ्री उसके साथ NH2 मतलब प्रोपेन टू एमाइन तो होगा ही. और ये N के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच. सो दिस वन इज N मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन. ओके नेक्स्ट. अब चलो ट्राई करो. N मिथाइल ब्यूटेन टू एमाइन. गुड. ये हुई लॉन्गेस्ट चेन. ओके तो वन टू थ्री एंड फोर. तो सेकेंड पे होगा NH2 मतलब ब्यूटेन टू एमाइन. और N पे मिथाइल ग्रुप. तो नाम होगा N मिथाइल ब्यूटेन टू अमाइन. चलो ये जो बेंजीन रिंग है NH2, चलो कॉमन नेम लिखा है N मिथाइल एनिलीन. एनिलीन का IUPAC नेम क्या था. बेंजीन एमाइन. तो सेम होगा नेम. अगर मैं लिखूं N मिथाइल बेंजीन एमाइन तो बेंजीन एमाइन इज एन IUPAC नेम एंड एनिलीन इज अ कॉमन नेम. So N methyl benzenamine and N methyl aniline. Okay, so take the screenshot. Pass. Done, sir. Now we are taking tertiary amine, that is R3N. There will be three alkyl groups or aryl groups or two alkyl one aryl or one alkyl two aryl groups. Structural formula, IUPAC and then common. CH3 three times and then nitrogen. Okay, CH3 CH2 then N and then 2CH3. मतलब टेक्सटबुक से मैं ज्यादा नॉमिनलेचर्स ले रहा हूँ जिससे आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस ठीक तरह से होगी एंड सेकंड थिंग जीनेट में भी आपको बेनिफिट होगा. ओके
और बेंजीन के ऊपर N एंड देन टू सी एच थ्री ग्रुप्स. नेक्स्ट बेंजीन के ऊपर सी एच थ्री एंड देन एन एच टू. ओके चलो ये मैंने एक्स्ट्रा एक कंपाउंड लिख दिया है तो टर्शियरी अमाइन को यहां तक ही है. दिस वन इज अ प्राइमरी. फर्स्ट हम लेंगे कॉमन नेम्स. एन के साथ थ्री अल्काइल ग्रुप्स और तीनों मिथाइल सो इट्स नेम विल बी ट्राई मिथाइल अमाइन. नेक्स्ट यहां पे दो इथाइल और एक इथाइल और दो मिथाइल है तो ई विल बी द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. देन टू टाइम्स मिथाइल. अगेन ध्यान रखना है डाय का डी कंसिडर नहीं करेंगे. डाई इज जस्ट प्रीफिक्स. नेक्स्ट विल बी डाय इथाइल मिथाइल एमाइन. नेक्स्ट इज अब ट्राई करो मिथाइल डाय प्रोपाइल अमाइन. प्रोपाइल तो एक ही है. इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन. इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन. इथाइल मिथाइल अभी आप गलती कर रहे हैं. नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन. ओके एंड लास्ट एनएन डाय मिथाइल अगर एनिलिन लिखू तो ये होगा कॉमन नेम और एनएन डाय मिथाइल बेंजीन एमाइन अगर मैं लिखू सो दिस विल बी आईयूपीएसी नेम. नेक्स्ट अब यहां पे लिखते हैं किसी एक को एनएमाइन बोल दो. तीनों मिथेन एमाइन है. तीनों जगह पे सिंगल सिंगल कार्बन एटम है या तो भी हम क्या कंसिडर करेंगे ज्यादा कार्बन एटम हुए वहां उसको हम बोलेंगे एनएमाइन. अब मिथेन एमाइन हुआ अब ये एन के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स हुए. अगर ये हम मिथेन एमाइन बोलते हैं तो दो मिथाइल ही है तो नेम होगा एन एन. एन क्यों लिखते हैं बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज अटैच विद द नाइट्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप. यहां पे होगा हाईएस्ट कार्बन एटम्स दो तो इसको हम बोलेंगे इथेन एमाइन और एन के साथ दो मिथाइल ग्रुप. इसको हम बोलेंगे इथेन एमाइन एन के साथ मिथाइल एन के साथ ही मिथाइल. ओके अब इसका नाम बोलो. चलो ट्राई करो. इथाइल मिथाइल प्रोपेन एमाइन. एन इथाइल एन मिथाइल और प्रोपेन प्रोपेन एमाइन ना. प्रोपेन वन एमाइन. चलो लास्ट का कॉमन नेम है ऑर्थोटॉल्यूडीन. ओके और आईयूपीएसी नेम है इसका टू मिथाइल बेंजीन एमाइन. ओके पैरा टॉल्यूडीन लिखे तो सी एच थ्री और एन एच टू. सी एच थ्री और ओ एच की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे. यस सी एच थ्री और ओ एच की कॉम्बिनेशन को यस निवान मिथेनॉल. बेंजीन के ऊपर सी एच थ्री और ओ एच का कॉम्बिनेशन मिथेनॉल नहीं. जैसे सी एच थ्री और एन एच टू को टॉल्यूडीन बोलते हैं सिमिलरली सी एच थ्री और ओ एच के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे. नेम तो सिंपल आईपीएसी टू मिथाइल फिनॉल.
No, it is not a phenol. Sir, xylene. No xylene. CH3 के combination को xylene कहते हैं. भूल गए 11th chapter. This is a cresson. CH3 और OH के combination को cresol कहते हैं. है ये phenolic substance. Okay? चलो. ये तो हमने extra लिखा है. चलो अपना फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका. Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, one doubt. बोलो. Sir, इसमें वो 2 मिथाइल कैसे है? मिथाइल तो फर्स्ट पोजीशन पे है ना बेंजीन की. यहाँ पे. हाँ सर, वो ऑर्थो टोल्यूडीन. हम फर्स्ट नंबर बोलेंगे ना, because it is more reactive. CH3 is alkyl group. CH3 yes, is alkyl group and NH2 is amino group. So first priority amino koi nahi hai na. Clear? Yes sir, clear. आगे C7 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोजन कितने और नाइट्रोजन कितने? 2, 3, 4 3, 7 H9N 9. तो C7H9N. Yes. तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स होंगे? 3. ओके. और बाकी के 2. ओके तो ये टोटल 5 आइसोमर्स. उसमें से फर्स्ट जो 3 है ना, उसमें से ये जो फर्स्ट 3 है ना, ये एरोमेटिक है. ओके और बाकी के 2 है ना, वो एलिफेटिक है. जस्ट मिली था, ये भी एलिफेटिक नहीं है. एरोमेटिक और एरोमेटिक अमाइन. ओके और ये अकेला एलिफेटिक. तो एरोमेटिक कितने? 4 और एलिफेटिक 1. क्यों? जब भी बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर अटैच्ड है, अगर बेंजीन के साथ वो डायरेक्टली अटैच्ड हो, तभी उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे. तो ध्यान रखो ये. नेक्स्ट. तो नोमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर दिया. अब इसके बाद यहां पे हम लेंगे उसका स्ट्रक्चर. चलिए टेक्सटबुक में ये पहले दिया है. नाइट्रोजन, तो उसके पास मेन एक लोन पेयर होगी और इसके साथ 3. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो शेप होगा कौन सा? टेट्राहेड्रल. ओके, टीडी शेप होगा. और जब भी टीडी शेप होगा तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए यहां पे 109.5 डिग्री. लेकिन अगर हमने अमोनिया लिया तो 107 डिग्री, और अगर हमने यहां पे अल्काइल ग्रुप लिया 1, 2 या 3, तो
तो उस हिसाब से एवरेज 108 या तो फिर 108.5 जैसा कुछ होगा। ओके, तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। तो अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वन लोन पेयर होगी इसके पास। नेक्स्ट, चल आगे। अब इसके बाद चल एक टू मार्कर आज एक थ्योरी हम ले लेते हैं जिसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। चलो ये कैसे होती है ध्यान से देखना। बेंजीन के ऊपर दो सी डबल ओ एच ग्रुप, इसका नाम है थैलिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ की तो हमें मिलेगा सी डबल ओ एन एच फोर एंड सी डबल ओ एन एच फोर, इसका नाम है अमोनियम थैलेट। अगर इसको हम हीट करेंगे तो 2H2O निकलेगा और आपको मिलेगा दो CONH2 और इसका नाम होगा थैलेमाइन। ओके, और अगर इसको हमने स्ट्रॉन्गली हीट किया तो एक जगह पे NH2 और दूसरी जगह पे ये हाइड्रोजन एलिमिनेट और आपको मिलेगा अमोनिया। तो और इस सब्सटेंस का नाम है थैलेमाइन। ओके, और ये थैलेमाइन दिया है चैप्टर नंबर 12 में। चलो चैप्टर नंबर 12 की एक रिएक्शन हो गई थैलिक एसिड 2NH3, जहां पे COOH था वहां पे आया COOH4 COOH4, इसको हीट किया वाटर मॉलिक्यूल निकला यहां से H2 and then O, so we are getting two times CONH2 at ortho position, it is known as thalamide and then it is heated, strongly heated. Then at one place NH2, another place hydrogen is removed. So we are getting ammonia and two times CONH and then CONH is formed. Okay, so CO and then here CONH2 attached to it. Isko hum bolenge thalamide. To chalo ek preparation complete hui. Aapko ye pata chal gaya ki thalamide kaise banta hai. Ab hum aage dekhte hain. अब ध्यान से देखो, ये जो थैलेमाइड है उसमें से ऑलवेज प्राइमरी अमाइन ही आपको मिलेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन नहीं मिलेगा। ओके, ओनली प्राइमरी अमाइन मिलेगा। यहां पे पहले होगा बेंजीन रिंग, थ्री डबल बॉन्ड्स सीओ सीओ एनएच। तो पहले हम इसकी रिएक्शन करेंगे KOH, जिससे H और OH निकलेगा और आपको मिला पोटेशियम थैलेमाइड। N- एंड देन K+, मतलब आयोनिक सब्सटेंस मिल गया। लेकिन यहां पे पहले कौन सा बॉन्ड था, यहां पे पहले बॉन्ड था कोवेलेंट बॉन्ड, अब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम करते हैं अल्किल हैलाइड से। तो अल्किल हैलाइड में ये जो हैलाइड है, इट हैज अ ग्रेटर अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोटेशियम अल्कली मेटल्स, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हियर पोटेशियम
एन और उसके साथ आर आ जाएगा, आर मीन्स अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। एंड देन अगर हम इसकी एनिओएच से हम हीट करेंगे तो पहले तो यहां पे देखो दो हाइड्रोजन होंगे तो दोनों हाइड्रोजन एन के साथ अटैच हो जाएगा और आपको मिलेगा आर एन एच टू। और अब बचा क्या, बेंजीन रिंग, देन सीओ, नीचे भी सीओ और यहां पे दो हाइड्रोजन गए तो बचा क्या ओ एन ए, हाउ मेनी टू। तो पहले आपको मिलेगा पोटेशियम थैलीमाइड, देन अल्काइल थैलीमाइड, ओके, और फिर ये तो है सोडियम थैलेट। और एक बार आपको सोडियम थैलेट मिल गया तो अगर इसको हम HCl में डाल देंगे तो जिससे आपको मिल जाएगा क्या पता है, HH थैलिक एसिड। अब याद करो आगे वाली प्रिपरेशन, थैलिक एसिड में से फिर बन जाएगा अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट के बाद थैलेमाइड, उसको फिर स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो बनेगा आपको डायरेक्टली क्या थैलीमाइड, और वो थैलीमाइड डायरेक्टली आप फिर से यूज कर पाएंगे। सो दिस इज द सिंपल मेथड, NH देन N माइनस K प्लस, बाकी सब एस इट इज है, देन NR और फिर RNH2 मिल जाएगा और ONA ONA। मिनिमम 5 टू 6 टाइम्स देखेंगे ये रिएक्शन आपकी लंब हो जाएगी। किसी को कोई डाउट? ओके, तो चलो फिर आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। भाई ज्वाइन થવાનું છે ફરીથી।